नमस्कार दोस्तों, इंटरनेट पर एक तस्वीर वायरल हो रही है। वायरल होती इस तस्वीर में एक तरफ हैं अनुष्का शर्मा जबकि दूसरी ओर हैं उनकी हम शक्ल हैं। उनका नाम है जूलिया माइकल्स जो कि अमेरिकी सिंगर हैं। जूलिया माइकल्स ने खुद इस फोटो को ट्वीट करते हुए अनुष्का शर्मा से संपर्क किया है। जूलिया ने वायरल होती इस तस्वीर के साथ ट्वीट किया कि हाय अनुष्का, लगता है हम जुड़वा हैं। जबकि इस पर अनुष्का शर्मा ने लिखा है कि पूरी जिंदगी मैं तुम्हें ही ढूंढती रही। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर है न्यूजीलैंड को पीटने वाले भारतीय मिल गए, ये कहना है केरल पुलिस का। दरअसल केरल पुलिस ने ये ट्वीट किया है न्यूजीलैंड पुलिस की उस ट्वीट के जवाब में, जहां पर न्यूजीलैंड पुलिस ने हाल ही के दिनों में एक ट्वीट के जरिए कहा था कि कुछ भारतीय न्यूजीलैंड में घूम रहे हैं जिनसे सावधान रहें। वो मजाकिया ट्वीट था जिसके जवाब में अब केरल पुलिस ने ये ट्वीट किया है। अब केरल पुलिस ने लिखा है कि वो जो ग्रुप है उसका नाम है मैन इन ब्लू का ग्रुप और इसे कीवी जूस काफी पसंद है। दोस्तों एक और खबर आज पूरे दिन ट्रेंड करती रही, वो खबर है शाहरुख खान और अक्षय कुमार को लेकर, जहां पर शाहरुख खान ने अक्षय कुमार के साथ अभी तक काम नहीं करने को लेकर एक बयान दिया है। शाहरुख खान ने इस बयान में कहा है कि मैं इस पर क्या कहूं, मैं जब सोने जाता हूं तब अक्षय कुमार जागते हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि उनका दिन जल्दी शुरू होता है, जिस समय मैं काम शुरू करता हूं वो पैकअप करके घर जा रहे होते हैं। दोस्तों एक और दिलचस्प खबर आज ट्रेंड करती रही, खबर है ड्राइवर की पत्नी से था अफेयर, डॉक्टर ने ड्राइवर को मारकर एसिड में डाले उसके शव के टुकड़े। जी हां दोस्तों, खबर है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में एक सरकारी डॉक्टर ने अपने ही ड्राइवर की हत्या कर उसकी लाश के टुकड़े को गलाने के लिए एसिड में डाल दिया। पुलिस ने बताया कि डॉक्टर का कथित तौर पर ड्राइवर की पत्नी से अफेयर था। दोस्तों एक और खबर दिलचस्प जो आज ट्रेंड करती रही, वो रही मायावती के सोशल मीडिया पर आने की खबर। बसपा सुप्रीमो मायावती ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर अपना अकाउंट बनाकर सोशल मीडिया पर एंट्री कर दी है। वहीं तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर बताया है कि उन्होंने ही मायावती को ट्विटर पर आने की गुजारिश की थी। दोस्तों आपको बता दें कि मायावती का जो ट्विटर हैंडल है उसमें उनका जो वेरीफाइड अकाउंट है वो है सुश्री मायावती। दोस्तों इसके अलावा एक और खबर है, जहां पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पहले T20 मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारतीय टीम को हरा दिया है। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट खोकर 219 रन बनाए थे, जिसके जवाब में भारत की पूरी टीम 139 रन बनाकर ही ऑल आउट हो गई। दोस्तों अगली खबर जो है वो नेपाल से। पीरियड्स के दौरान झोपड़ी प्रथा की वजह से एक साल में यहां अब तक 4 मौतें हो चुकी हैं। दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल में झोपड़ी प्रथा की वजह से 21 साल की महिला की मौत हुई, जिसमें पीरियड्स के दौरान महिला को घर से बाहर निकालकर झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर किया जाता है। महिला की मौत का कारण दम घुटना बताया जा रहा है। बहरहाल दोस्तों ये थी आज की ट्रेंडिंग खबर जो HFF न्यूज आपके लिए लेकर आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये ट्रेंडिंग खबरें आपको पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे जाकर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आपने हमारे वीडियो को यहां तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।